नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, महिला तूफान चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुमारी कन्याओं के शीघ्र विवाह और मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है और एक वीडियो बनाई है गठबंधन कैसे करें माता पार्वती और शंकर जी का, शिव पूजा कैसे करें। तो दोस्तों, अब मेरे सामने एक प्रश्न आया है कि मैम, दीदी प्लीज़ बताइए कि शादी, जल्द शादी, मनचाहा जीवन साथी हमें कैसे मिले लड़कों के लिए। तो दोस्तों, लड़कों के लिए महाशिवरात्रि के दिन गठबंधन करने का उपाय सिर्फ कुंवारी लड़कियां ही कर सकती है, आपके लिए उपाय नहीं है। तो आप इस दिन विधिवत शंकर भगवान जी की पूजा करें महाशिवरात्रि के दिन, और व्रत जरूर रखें। मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं तो अपनी मनोकामना अपने मन में जरूर रखें और व्रत का संकल्प लें। सुबह का संकल्प लेने के बाद जो है, इस दिन आप कच्चा दूध में केसर डालकर श्रद्धा भाव से अगर शंकर भगवान को अर्पित करते हैं और नंदी जी को, नंदेश्वर जी की अपनी मनोकामना उनके कानों में कहते हैं, ऐसा माना जाता है कि नंदी जी को ये वरदान प्राप्त है भगवान शंकर जी के द्वारा कि जो भी उनके कानों में कहते हैं तो उनकी प्रार्थना शंकर भगवान तक जल्द पहुँचती है। तो ये कार्य आप कर सकते हैं, और हो सके तो इस दिन आप जब भी पूजा करें तो एक बात का ध्यान रखें, पूर्व की ओर मुख करके ही आप शंकर भगवान की पूजा करें, आपकी पूजा का आपको संपूर्ण फल मिलेगा। तो इस तरह से आपको पूजा करनी चाहिए, और आपकी जितनी उम्र है उतनी आप बेलपत्र चढ़ाएं शंकर भगवान को, ओम नमः शिवाय लिखकर श्रद्धा भाव से, तो आपकी अवश्य मनोकामना पूरी होगी। और जल्द विवाह के लिए, शीघ्र विवाह के लिए, मनचाहा जीवन साथी पाने के लिए अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो आप अपनी माँ या बहन से ये उपाय करवा सकते हैं, आपको नहीं करनी है। आप अपनी माँ या बहन को एक अच्छी पीली या लाल साड़ी ला कर दें, चूड़ी ला कर दें, और हो सके तो सुहाग के श्रृंगार का सामान भी ला कर दें, और उसके बाद वो आपकी माँ जो है अपने बेटे के विवाह के लिए, आपके विवाह के लिए मंदिर महाशिवरात्रि के दिन जाएंगी, विधिवत पूजा करेंगी और श्रृंगार का सामान जो है वहाँ माता पार्वती को अर्पित करेंगी। पीला साड़ी, लाल साड़ी अर्पित करेंगी, चूड़ी अर्पित करेंगी। चूड़ी में सफ़ेद काली चूड़ी या काला साड़ी आपको, या सफ़ेद साड़ी नहीं चढ़ानी है, लाल और पीला शुभ माना जाता है व्रत त्यौहार में। तो इस तरह से माता पार्वती को भेंट करेंगी, अर्पित करेंगी महाशिवरात्रि के दिन। उसके बाद उस साड़ी को जो है अपने बहू के लिए, आपकी होने वाली वाइफ के लिए रख लेंगी, और जब भी आपका विवाह का शुभ संयोग, मतलब बात करने के लिए, ऐसा माना जाता है मोटे तौर शब्दों में कहूँ तो आपके विवाह का संयोग महाशिवरात्रि के दिन उपाय करते हैं, आपकी माँ करे या बहन करे, तो आपके विवाह का जो है लगन जो है जोर पे हो जाता है, संयोग बनने लगते हैं, और आपकी विवाह जो है अगले माह की महाशिवरात्रि, हर महीने की महाशिवरात्रि होती है तो अगले माह की महाशिवरात्रि एक महीने के अंदर अंदर शादी फिक्स हो जाएगी, अगर श्रद्धा भाव से ऐसा किया जाए तो। तो वो चुनरी चूड़ी जो भी चढ़ाती हैं या पीला साड़ी, उसे अपनी बहू के लिए रख दें, और हो सके तो शंकर भगवान को जो फूल चढ़ाया जाता है उसमें से एक फूल भी रख लें, और जब भी आपकी शादी विवाह की बात होगी तो उस फूल को आपके पिताजी बात करने जा रहे हों या आप भी साथ में जा रहे हों तो उस फूल को जेब में रख के जाएं। शादी विवाह में कोई भी विघ्न बाधा नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं जो घर की जिम्मेवारी या नौकरी पाने के लिए अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करते हैं, और जब वो सब कुछ लाइफ में पा लेते हैं, उनके पास घर भी होता है, नौकरी भी होती है, तो एक अच्छी पत्नी नहीं मिल पाती, मनचाहा शादी या जीवन साथी नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान की शरण में जाना, महाशिवरात्रि के दिन भगवान जी का शादी का सालगिरह है, और इस दिन ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी में महाशिवरात्रि की रात्रि में बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा देवी देवताओं के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत ही अच्छा माना जाता है, शुभ माना जाता है मोटे शब्दों में कहूँ तो। तो इस दिन अगर आप उपाय करते हैं, रात्रि जागरण भी करते हैं, भगवान शंकर की आराधना करते हैं, शिव पूजा विधिवत करते हैं, तभी भी आपकी इच्छा जरूर पूरी
हो जाएगी। तो इस तरह से अपनी माता से, अपनी बड़ी बहन से ये कार्य आप अवश्य करें। अपने शिव विवाह के लिए आप श्रद्धा भाव से शिव पूजा करें। और शिव पूजा में एक बात आपको ध्यान रखना है कि शिव पूजा जब भी करें तो पहले आप नंदी जी का पूजा करें, उसके बाद गणेश जी का पूजा करें, उसके बाद आपको शंकर भगवान जी का पूजा करना है, पार्वती माता का पूजा करना है, शिव परिवार का पूजा करना है विधिवत। तो इस तरह से पूजा करें। और आप मनोकामना पूरी करने के लिए धतूरा इस दिन बहुत उपयोगी होता है, तो आप धतूरा शंकर जी को अवश्य भेंट करें। ऐसा माना जाता है कि आपके जीवन का कोई भी समस्या दूर हो जाता है। तो शादी विवाह की जो भी मैं नियम बताई हूँ तुम्हारे लड़कों के लिए, मुझे लगता है ये कारगर साबित होगा, तो यह उपाय करके देखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल बने तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव की।